मेरे पास रेड आया है, गोल्ड कलर एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम बात करेंगे iPhone 8 Plus की प्राइस के बारे में। जस्ट प्राइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। iPhone 8 Plus यूज प्राइस इन पाकिस्तान PTA एंड नॉन PTA प्रूफ की क्या प्राइस मिलने वाली है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो iPhone 13 लॉन्च हो चुका है, जिसकी एप्पल वालों ने कमाल का दिया यार प्राइस इतनी ज़्यादा iPhone 13 सीरीज की, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर भी रेट बढ़ गया iPhone 8 Plus का भी। यूज़ में जितने भी फ़ोन थे एप्पल के, तमाम का उन्होंने कहा कि हमने रेट को बढ़ा देना है, क्योंकि एप्पल ने कम नहीं किया अपने नए फ़ोन्स का, तो इसी के साथ साथ हम ओल्ड फ़ोन का भी रेट बढ़ाएंगे। अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे जो पहले प्राइस मिल रही थी, पहले तो फिर भी डिस्काउंट था, और अब उससे कुछ ज़्यादा प्राइस मिले, क्योंकि आईफोन 13 की 3 लाख तक प्राइस जा पहुँची है। उन्होंने कह दिया है कि हमने अब बिल्कुल पागल हो जाना। तो iPhone 8 Plus की जो फैसलाबाद की मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है यूज़ कंडीशन में, जैसे कंडीशन पर ही डिपेंड होती है प्राइस, बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फ़ोन भी देखने के लिए मिले हैं जिनकी प्राइस 30 से 35 हज़ार हमें देखने के लिए मिली है। तरफ हमें कुछ ऐसे फ़ोन मिले हैं जिनकी प्राइस हमें 50 हज़ार की रेंज में मिली है, और ये भी कहते हैं कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 40 से 45 में आपको मिल सकता है अगर आपने बाय करना है iPhone 8 Plus PTA प्रूफ, जैस 40 से 45 हज़ार में मिल सकता है। 90% तक बैटरी हेल्थ मिल जाएगी फ़ोन्स की। नॉन पीटीए प्रूफ में फ़ोन को बाय करना चाहते हैं गेमिंग वगैरह करने के लिए, वाईफाई कनेक्ट करके अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 30 से 35 हज़ार की रेंज में भी फ़ोन मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, आसानी से बाय कर सकते हैं। जो लोग फैसलाबाद से हैं उनके लिए ये तो बेस्ट है। तो ये थी वो प्राइस जो मार्केट के अंदर चल रही है iPhone 8 Plus की, जैस iPhone 13 के बाद भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइस भी अच्छी लगी होगी एंड हमारी वीडियो भी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह।